नमस्ते दोस्तों, थंबनेल देख के आप सब लोग को पता चल चुका होगा कि आज हम क्या बनाएंगे। आज हम बनाएंगे मुरमुरे के लड्डू, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और आप इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको हर एक गलती और हर एक सही स्टेप का भी पता चल जाएगा और आप लोग को क्या सही करना है और क्या गलत मैंने किया है आपको अवॉइड करना है, इसके बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्वांटिटी और प्रोपोर्शन गुड़ और मुरमुरे के। आप ट्राई करना 3:1 रेशियो में 3 कप आपको मुरमुरे के साथ 1 कप गुड़ लेना पड़ेगा। मैंने थोड़ा गलती कर दिया कि मैंने 1 कप गुड़ में 4.5 कप मैंने मुरमुरे ले लिया, इसलिए मेरा लड्डू थोड़ा अच्छा नहीं बना। बट आप लोग ये ट्राई करना कि 3:1 रेशियो में हमेशा लेना और आपका गुड़ को अच्छे से चाकू से छोटे छोटे काट कर लेना, इससे आपको गुड़ जल्दी से मेल्ट होगा और अच्छे से फाइन चाशनी बनेगा। दूसरी बात, आप जितने मुरमुरे ले रहे हो लड्डू के लिए उतने को अच्छे से कढ़ाई में हर तरफ से गरम कीजिए, आराम से मीडियम फ्लेम में हर एक तरफ से थोड़ा अच्छे से गर्म कीजिए, इससे लड्डू ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छा बनता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आप अपने गैस का फ्लेम एकदम लो में रखना, जितना आपका लो फ्लेम है वहीं पे रखना, लो रखना। और कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालिए, घी से लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और एक शाइनिंग टेक्सचर मिलता है इसको। और उसके बाद आप उसमें गुड़ डालिए, आराम आराम से समय लेके, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे से गुड़ को पिघलाइए। पिघलाने के पहले आप हमेशा कच्ची को चलाते रहिए, इससे क्या होगा, जो भी छोटा बड़ा गुठली बनेगा वो सारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, एक अच्छा फाइन सिरप बनेगा। कुछ देर बाद आप जब देखेंगे आपके गुड़ में बबल आ रहे हैं, आप कच्चे के मदद से थोड़ा सा गुड़ एक पानी के बाउल में डालना और 5 से 6 सेकेंड वेट करने के बाद उसको चेक करना। चेक करेंगे तो जब आपको लगेगा कि खींचने से वो आसानी से खींच जा रहा है तो आपका सिरप नहीं बना है, और कुछ समय उसको पकने दीजिए। कुछ समय के बाद आप फिर से चेक कीजिए, जब देखेंगे आप खींचने से थोड़ा ज़्यादा टाइट लग रहा है और आसानी से नहीं टूट रहा है तो आपका सिरप रेडी है। उसके बाद आप छोटे छोटे पीस नारियल को इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें मुरमुरे डालिए और एक चीज़ याद रखना कि आप गैस को बंद मत करना, वही लो फ्लेम में रखना और अच्छे से सारे मुरमुरे और गुड़ को मिक्स करना। अच्छे से मिक्स करने बाद आप अपने दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगा लीजिए और वही गर्मा गर्म मुरमुरे को लड्डू का शेप दीजिए। यहाँ मेरा ज़्यादा मुरमुरे होने के वजह से
अच्छे से लड्डू नहीं बनेगा। आप हमेशा मैंने जो बताया प्रोपोर्शन 3:1 का प्रोपोर्शन ध्यान रख के बनाना, आपका लड्डू अच्छा बनेगा।